नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। पेश है अभी तक की 5 बड़ी खबरें। गडकरी ने कहा कि गोवा में सरकार गठन के लिए कुछ भी अवैधानिक नहीं किया। पर्रिकर ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री खूब काम करूंगा, बोलूंगा कम। उत्तर प्रदेश में तेजाब का ब्यौरा न रखने पर 50,000 जुर्माना। कश्मीर में उपचुनाव के दौरान हिंसा, 8 की मौत। नारायण राणे ने कहा कि केवल बाल ठाकरे ने मेरी क्षमता को पहचाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में सरकार बनाने के लिए कुछ भी अवैधानिक नहीं किया। उन्होंने यह जरूर खुलासा किया कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत निर्णायक तरकीबें इस्तेमाल में लाई गई। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार को बतौर मुख्यमंत्री कम बोलने और खूब काम करने का वादा करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस जल्द ही दुर्लभ हो जाएगी। पर्रिकर ने एक समारोह में कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और कांग्रेस नेतृत्व की अयोग्यता के कारण ही गोवा की सत्ता पर काबिज हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश दिए हैं कि तेजाब विक्रेता 15 दिन के भीतर तेजाब के स्टॉक की रिपोर्ट संबंधित उपजिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे। तेजाब के स्टॉक की सही स्थिति न पाए जाने पर उपजिला मैजिस्ट्रेट द्वारा संपूर्ण स्टॉक जब्त कर लिया जाए और विक्रेता पर अधिकतम 50,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। श्रीनगर बड़गाम संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए रविवार को हुए मतदान के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। कुछ मतदान केंद्रों पर भीड़ ने हमले की कोशिश की। हिंसा के कारण इस उपचुनाव में मात्र 7% मतदान दर्ज किया गया, जो 3 दशक में राज्य का सबसे कम मतदान प्रतिशत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण राणे ने रविवार को शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने ही उनकी सही क्षमता को पहचाना था और उनमें पूर्ण विश्वास जताया था।